करण नाम का एक मेरा कैरेक्टर है इसमें जो मैं प्ले कर रहा हूँ, और नित्या तो उसकी ऑपोजिट है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वी कंप्लीट ईच अदर। यार मैं तो इसमें एक्टिंग की नहीं शो में, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं, करण नाम का एक मेरा कैरेक्टर है इसमें जो मैं प्ले कर रहा हूँ, और वो काम करता है, जॉब करता है, और बड़ा ही उसको वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है, और बहुत थोड़ा सा, तो बहुत तो नहीं, थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल हस्बैंड है वो। नित्या क्या? और नित्या तो उसकी ऑपोजिट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत एफिशिएंट है, अपने करियर को लेके बहुत सीरियस है, लेकिन ड्रीमर भी है, विश्वास करती है रोमांस में, प्यार में विश्वास करती है, लेकिन फिर करण उसकी ज़िंदगी में आके उसको कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि समझ नहीं आता कि रोमांस एग्जिस्ट करता है नहीं, ये क्या है, ये कौन है, पर आपको धीरे धीरे फिर रफ्ता रफ्ता शो देखने से पता चलेगा रफ्ता रफ्ता क्या होता है। मुझे लगता है, मुझे लगता है हम लोग एक पजल ब्लॉक की तरह। करेक्ट, वी कंप्लीट ईच अदर। या आई थिंक हां, कुछ नहीं, मैं ओडोमॉस लगा ही जाता रोज, क्योंकि सेट में मच्छर हो जाते बहुत, तो ओडोमॉस मक्खियां भगाने की जितने साधन है वो सब लेके जाते थे, हम लोग जेब में रखते थे स्प्रे, और हमने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, हमने खान पीन बहुत किया सेट पे, और मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की थी, पर वो रिफ्लेक्ट शायद नहीं हो पाई, पता नहीं, लेकिन मैं लिखती देख, हां पक्का ओके एवन, मैं लिखती बहुत हूँ, तो मैंने अपने कैरेक्टर के बारे में बहुत लिखा, ये वो ऐसी ऐसी जो भी आपको बताया, पर वो बस लिखा, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, तो ये था मेरा। ऐसा कुछ प्रेप नहीं था, इट वाज अ फन 21 डे शूट, 21 दिन हम लोगों ने खूब मस्ती करी और एक दूसरे को जाना, और जितना जाना उतना ही वो केमिस्ट्री निकल के आई है शो में, एंड आई एम श्योर जितने लोग देखेंगे वो शो में मजा आएगा। जी तो भुवन के साथ काम करने में तो जैसा सभी बोलते हैं बहुत मजा आया, बहुत ही गुड बॉय, अच्छा लड़का, मतलब बिल्कुल भी उसमें, मतलब एटीट्यूड तो छोड़ दो, उसमें उसका कोई पर्सनैलिटी नहीं, गाइस को काट सकते हैं बहुत ही अच्छा, वो जो फर्स्ट बेंच पे जो बैठते हैं ना स्टूडेंट्स, वैसा लड़का है वो, बहुत एफिशिएंट, बहुत ही सीधा साधा, मुझे लगता है ये नित्या ज्यादा है, ये अपने आप को करण बुला रहा है पर्सनैलिटी वाइज, बट ही इज मोर नित्या, ही इज मोर फोकस्ड, हार्ड वर्किंग, सोता नहीं है, काम करते रहता है, तो इसको देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गई, मैंने इसे बोला भी था कि तुझ जैसे इंसान से जलन नहीं हो सकती, सिर्फ इंस्पायर हो सकती। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और इनको मैंने एक इनके जो पुराना शो है उसमें देखा था, और तब मुझे लग रहा था कि अगर हम कोई शो करते हैं तो उसमें सृष्टि होनी चाहिए, एंड आई एम ग्लैड कि इनके पास डेट्स थी, और आई वाज वेरी बिजी, पर आई वाज वेरी बिजी, और हमने फिर शूट किया एक दिन, बड़ा मजा आया इसके साथ शूट करके, इनको लाइनें बहुत अच्छे से याद होती, और ये सार्कास्टिक बिल्कुल नहीं था, पर मजा बहुत आया, क्योंकि जैसा मैंने बोला लाइट हार्टेड बैंटर वाला शो है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर हाँ हम दोनों ने बिल्कुल एक्टिंग करी, हम जैसे हैं रियल लाइफ में, हम बिल्कुल ऑन स्क्रीन वैसे ही एक दूसरे से बहसबाजी कर रहे हैं। करेक्ट। दिल्ली में एक फार्म हाउस में शूट किया मैंने, और जैसा आपको पता है फार्म हाउस पे मच्छर बहुत होते हैं, तो मच्छरों के बीच में शूट किया है, और काफ़ी शोर शराबे के अंदर हमने शूट किया है कंस्ट्रक्शन वगैरह के बीच में, पर उसके अलावा फार्म हाउस का बढ़िया था। मच्छर, बट मच्छर इज अ पार्ट ऑफ अ कास्ट आल्सो नाउ, क्योंकि वो इतने सारे थे फ्रेम में आते थे, तो अभी वो कास्ट में उनको क्रेडिट भी देंगे। हां हां, और क्रिकेट खूब खेला है वो, फार्म हाउस में ग्राउंड है और हमने वहां बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, इसने कुछ नहीं खेला, ये बहुत, मैं मुझे सोना पसंद है, जो इस इंसान ये बोलता रहता है ये सोता है, पर ये सोता नहीं है, जब टाइम मिलता है तब भी उसको क्रिकेट खेलना है। खेला, लेकिन बहुत अच्छा खेला, सबने खेला। इसे पूछिए ये दिल्ली कम आती जाती है, मैं तो यहीं रहता हूँ, तो मैं तो जीवन भर एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। दिल्ली मैंने एक्सप्लोर नहीं किया इतना, सोती रहती है ना, मैं जब भी दिल्ली आई हूँ काम के लिए आई हूँ, तो मैंने कभी, मुझे कभी वक्त ही मिला, और जब वक्त मिलता है लाइक आई सेड मैं सोती हूँ, तो मैं काफ़ी लेजी हूँ वैसे, आई सेड मैं ज़्यादा करण जैसी हूँ, नित्या कम हूँ, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई पर्सनली मेरे लिए तो ऐसा कोई सीन नहीं था, मेरे लिए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि अतुल श्रीवास्तव सर थे हमारे साथ राकेश बेरी सर थे, और जब ऐसी कास्ट हो आपके साथ तो आपको काम करने में और मज़ा आता है, आपको सीखने का कितना मौका मिलता है, और जैसा मैंने बोला सृष्टि को जानने का मुझे मौका मिला, तो कोई भी सीन करते थे तो रिहर्सल में ही समझ आया था हमें कि किस दिशा में जाएगा, एंड ऑफकोर्स विशाल जो कि हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने खूब मस्ती भी करी हमारे साथ, और खूब उन्होंने मदद भी करी हमारी,
पर ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं था किसके किस दिन हमने खूब मजे किए। हाँ, ये जिस तरह का शो भी है, इट्स वेरी लाइट, इट्स वेरी फन, इट्स वेरी, इट्स वन ऑफ द शोज यू विल वॉच जब आपको यू वांट अ ब्रेक फ्रॉम टू मच हैपनिंग इन योर लाइफ, तो ये वो वाला शो है। तो हमने बना करते वक्त भी, शूट करते वक्त भी उतना ही मजा किया, तो ऐसा कोई दिन नहीं था जहाँ पे हमें लगा कि अरे आज आज तो बहुत ही एक्सपीरियंस है। नहीं, बहुत मजे किए दोनों में से कोई नहीं। मस्ती खोर कोई नहीं, हम लोग ऐसे ही हैं, खाली टाइम पास लोग हैं, हम कोई मस्ती नहीं करते। हम दोनों को लगता है हम दोनों बहुत फनी है और बहुत एंटरटेनिंग है, पर दूसरे लोगों को पता है कि हम एक बबल में जी रहे हैं, हम वो नहीं है, पर हम ये सोच के संतुष्ट है कि हम बहुत ही एंटरटेन। शेड्यूल छोटा था ना हमारा, तो मैं जल्दी जल्दी निपट रहा हूं, तो हमारा वो लग्जरी नहीं होती हमारे पास प्लान की, निपटाना है फटाफट, आओ अच्छे से शूट करो, बढ़िया ब्लॉकिंग वॉकिंग करके शूट करो। हां, और प्रैंक करने का मजा तो तब आता है जब आपके 100 दिन का शूट हो गया और आप शायद मतलब हां और आप मस्ती कर रहे हैं और आपके पास खूब टाइम है धीरे-धीरे शूट करने का, पर यहां तो हम कर रहे थे शूट। ये मजे की बात है क्योंकि हम जब पहली बार सेट पे आए दोनों साथ में, तो हम मेरे ख्याल दूसरी बार ही मिल रहे थे, उससे पहले एक बार नरेशन में मिले थे, और दूसरी बार में ही मुझे रियलाइज हो गया था कि शी इज़ वेरी इजी टू वर्क विथ, और क्योंकि हम दोनों, हमारा ह्यूमर एक ही तरह का है, ख़त्म बराबर, और और हम लोग किसी भी बात पे जोक मार देते हैं, कुछ भी कहीं से भी कोई टॉपिक उठा के बात शुरू हो जाती है हमारी, तो आई थिंक इतना मुश्किल था नहीं। और जो बोलते हैं कि थोड़ा वक्त लगता है कम्फर्ट जोन में आने में, मेरे को ऐसा नहीं लगा, शुरू के एक दो दिन होता है थोड़ा सा, क्योंकि आप पहली बार किसी के साथ ऐसे काम करते हो, और उसके अलावा तो मजा ही आया शूट करके। यार ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना एक मेल वर्जन मिल गया मेरी जिंदगी में, ये मेरे जैसा ही है, एटलीस्ट आई वुड लाइक टू बिलीव, पर इक्वली मस्ती खोर है और इक्वली इंट्रोवर्ट भी है। सडनली हम चुप बैठ जाते हैं और हम बस बैठे रहते हैं, हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते, बट वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट साइलेंस। तो वो शुरू से ही था, आई फील फ्रॉम डे वन we were very okay with not like talking to each other, कि क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, ये सब बातें भी हुई। हाँ, हमने gradually सारी मुझे तो अभी भी नहीं पता ये इसके actual इसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं, पर फिर भी मैं ऐसा लगता है मैं ऐसे जानती हूँ। ये जोक्स बहुत क्रैक करते हैं और ऑन द स्पॉट करते हैं, इनको पता नहीं है कि इनके अगर 10 जोक मारते हो तो उसमें से 8 बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं इनको आज पर्सनली ये कैमरे में बताना चाहूँगा कि आप जो जोक मारा करें जिसपे हल्का सा चकल आ जाए लिख लें उसको, आगे कहीं मारने ही काम आएगा, क्योंकि बाकी दो इतने भैया होते हैं उस पर बहुत हंसती है। तो पर हाँ, पीजे के मामले में इसका रिकॉर्ड इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। इसकी पोल क्या बोलूँ यही कि ये सबको बोलता रहता है कि मैं ना कूल बनने के लिए ना बोलता है कि मैं ना अपने फ्री टाइम में सोता रहता हूँ, बुल सॉरी क्रैप क्रैप और रबिश, वो बिल्कुल नहीं सोता है, जस्ट बिकॉज उसके डार्क सर्कल्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोता है, वो नहीं सोता, वो शूट पे आता था 2 घंटे सोते या 1 घंटा या शायद नहीं, या हमको झूठ बोलता था, तो ये झूठ है। जब भी वो किसी भी इंटरव्यू में बोले कि वो सोता है, मैं बहुत कूल हूँ, नहीं सोता। हाँ, कुछ दिन होते हैं सोने वाले, कुछ दिन नहीं होते, नहीं सोता। लेकिन मेरे सबसे प्रिय राजू दादा हैं, वो हमेशा मेरे जो आंखों के नीचे के गड्ढे डार्क सर्कल्स हैं वो छुपाते हैं, इसलिए दिखते नहीं किसी को।